एच सी वर्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 5। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। 1 फर्मी मतलब 10^-15 मीटर। द प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस रिमेन्स एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें 2 प्रोटॉन्स दिए हुए हैं। अब प्रोटॉन्स पर चार्ज कितना होता है, तो जितना कि इलेक्ट्रॉन पे होता है, सिर्फ उनका नेचर अलग होता है। 1.6 × 10^-19 कूलम। अब वो प्रोटॉन के बीच में सेपरेशन हमें दिया हुआ है 1 फर्मी। 1 फर्मी मतलब 10^-15 मीटर। और उतना एक न्यूक्लियस जो बहुत कम साइज होती है, स्मॉल साइज होती है, उनमें ये डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल होगा। तो इतने स्मॉल डिस्टेंस पर 2 प्रोटॉन रहते हैं और इतना चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये फोर्स दो चार्जेस के बीच में वो तो होता है कि Q × Q1 × Q2। अब दोनों पे सेम ही चार्ज होगा, मतलब Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये फोर्स K की वैल्यू होती है 9 × 10^9। ये चार्ज होगा 1.6 × 10^-19, और दूसरा चार्ज वो भी उतना ही होगा 10^-19, और डिवाइड करना है उसको डिस्टेंस स्क्वायर से, और डिस्टेंस दिया है 1 फर्मी। 1 फर्मी मतलब 10^-15, और उसका स्क्वायर करना है। तो ये क्या आएगा, F इज इक्वल टू इन 9, और ये 1.6 और 1.6 ये 16 × 16, इसका स्क्वायर आएगा 256, और इंटू ये 10^ 9 से यहाँ पे ये वाला प्लस 9, और इसके 2 डेसिमल हटा दिए तो -2, और ये -19 ये आएगा -38, और ये -15 और ये -15 वो प्लस -30 होगा, ऊपर चला जाएगा तो +30। तो मतलब F इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 6 = 54। ये 5 कैरी, 9 × 5 = 45 प्लस 5 = 50, 5 कैरी, 9 × 2 = 18 प्लस 5 = 23, और इंटू 10^2 ये -38 और ये -2 आएगा 40, -40 और ये आएगा मतलब -10 और ये प्लस 9 मतलब -1, तो एक डेसिमल शिफ्ट होगा। तो ये 20 यहाँ पे डेसिमल आएगा, इतना न्यूटन फोर्स होगा 2 प्रोटॉन के बीच में, इनका सेपरेशन होगा 1 फर्मी।